हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 1% की तेज़ी के साथ बंद रहा, आखिर में किसी ने खेल कर दिया। इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है जैसे अदानी टोटल गैस के अंदर था। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर अभी कल ही हमने बात की थी कि RSI 32 के आसपास आया है, तो इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेकर ऊपर एक बाउंस बैक आ सकता है या तो थोड़ा सा नीचे जाकर। और आज बिल्कुल 970 के आसपास सपोर्ट लिया और अभी अच्छा खासा इसने 1000 रुपये तक का आज जो है लेवल भी टच कर दिया था आखिर 15 मिनट में, वो हम देखेंगे। और कहाँ तक जा सकता है अगर ये बाउंस बैक आता है तो सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है वो हम देखेंगे। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और आगे चलिए देखते हैं सबसे पहले आज के कारोबार की बात। तो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम रहा पिछले दिनों के मुकाबले, 2.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो ये चीज़ ही इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि ये जो गिरावट आई थी पिछले दिनों में वो कम वॉल्यूम के साथ आई थी कल, और आज तो हालांकि थोड़ा सा बाउंस बैक आया है। यहाँ पर ज़रा 15 मिनट का चार्ट देखें। अभी ये सपोर्ट शॉर्ट टर्म की बात सपोर्ट नहीं बल्कि रजिस्टर कहाँ पर ले रहा है। सवेरे की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास का इसने जो है लेवल टच किया, वहाँ पर टिक नहीं पाया, थोड़ा सा नीचे आया। वापस से 3 बार जो है यहाँ पर ये दूसरी बार 1000 को क्रॉस करने की कोशिश की, वहाँ पर भी टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया। तीसरी बार यहाँ पर भी 1000 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की, हालांकि एडजस्टमेंट के बाद फिर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी। अब ये यहाँ पर ये 1000 रुपये का लेवल जो है ये रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, इसको पार करता है तो उसके बाद 1020 से 1050 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सपोर्ट अभी भी जो है करीब दिख रहा है, ये जो लाइन है और उसके नीचे 950 रुपये के आसपास का जोन। और यहाँ पर अगर आप देखें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आखिरी 15 मिनट के अंदर ये बुलिश कैंडल, सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है ऐसा मुझे लग रहा है। पहली कैंडल भी इतनी बड़ी थी और ये कैंडल भी इतनी बड़ी है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुल्स की वापसी आई है, तेज़ी लाने की कोशिश हुई है, कुछ लेवल को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर कैसी पहले जो है कैंडल बनी तो आप देख सकते हैं कि ये बेरिश कैंडल ही बनी है बड़ी सी। अब इसका बड़ा अगर देखें रजिस्टेंट कि कौन से लेवल के ऊपर अगर ये पार करे फिलहाल नज़दीकी तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है, अगले हफ्ते ये लेवल चेंजेस हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि हर हफ्ते ये चेंजेस होते रहते हैं। तो इसके जैसे कि हमने बात की, एक तो 1020 और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद 1035 का लेवल, ये लेवल अगर ये क्रॉस करता है उसके बाद 1100 से 1150 तक की जाने की भी संभावना इसकी रह सकती है। आगे देखें बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर हमने कल भी चर्चा की थी, कल ही जो इसकी निचली लाइन है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, आज भी उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और हमने चर्चा की थी कि इसके नीचे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता कोई भी शेयर हो, कहीं ना कहीं जो है जल्दी ही ये जो बुलिंजर बैंक की निचली और ऊपरी जो लाइन होती है, ये निचली और ऊपरी लाइन, उसके अंदर ही शेयर वापस से आ सकता है। और यहाँ पर आज बिल्कुल उसी लेवल के आसपास आने की कोशिश की, ऊपर में हाई बनाया इसकी जो निचली लाइन है उसके ऊपर आसपास का, तो सोमवार को अब इसके अंदर आ सकता है ये। MACD को यहाँ पर देख लेते हैं, हल्की सी आज के दिन भी जो है इसके अंदर भले ही तेज़ी आई लेकिन स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। यहाँ पर दोनों ही लाइन के बीच का फासला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आगे अगर 1000-1020 को ये क्रॉस करता है तो हल्का सा इसके अंदर भी एक कर्व आना शुरू हो सकता है सोमवार को। और RSI को ज़रा देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अभी भी 35 के आसपास है। जैसे कि हमने चर्चा की थी कल के दिन ये 32 के आसपास था और बाउंस बैक भी आया, अब देखना बनता है सोमवार को क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है या नहीं। अगर कंटिन्यू नहीं रहती तो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 950 और 910 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो जैसे कि हमने वहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी एक ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं 1020-1035, ये इसका रजिस्टर एरिया शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एक रजिस्टर रह सकता है। अगर इसको पार कर देता है तो 1100-1150 तक भी जा सकता है ऐसा लग रहा है। और अब आखिर में देखें, उससे पहले देख लेते हैं एक्सपर्ट का क्या कहना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कल की एक रिपोर्ट है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड लेटेस्ट न्यूज़, स्टॉक में जल्दी तेज़ी की उम्मीद नहीं, कर सकता है कंसोलिडेशन। और ये तो हम कई बार हमने बात की, हालांकि कुछ अगर पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आए तो तेज़ी की उम्मीद भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी ने यहाँ पर पूछा कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कब बढ़ेगा, तो एक्सपर्ट का क्या कहना है सोमेश कुमार, मतलब कि यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी थी, आय बढ़ी थी, वो भी हमने उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस की है, आपने नहीं देखा वीडियो तो वो देख सकते हैं। लेकिन बाजार इनसे उत्साहित नहीं रहे और वो भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, तो बाजार की उम्मीद से बेहतर अगर रिजल्ट आते हैं तब शेयर के अंदर तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये इस रिजल्ट को आप इनलाइन कह सकते हैं, मतलब कि जितनी बाजार की उम्मीद थी उतने उसके आसपास ही जो है इसके रिजल्ट आए थे, उसके वजह से ज़्यादा तेज़ी नहीं आ पाई और अभी कंसोलिडेशन चल रहा है ना कि करेक्शन है, यहाँ पर तो ऐसा ही लग रहा है कि। और आगे देखें कि जिन स्टॉक का मूल्यांकन बहुत महंगा होता है, एक्सपर्ट का यह कहना है, उनमें कई बार लंबे समय तक पैसा नहीं बनता है, मतलब अभी निकट समय में तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसमें 1000 रुपये पर सपोर्ट अगर आ जाता है तो ये स्टॉक 1150 या 1200 रुपये के दायरे में कंसोलिडेट कर सकता है, मौजूदा मूल्यांकन पर
इसमें इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है, ये एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन अगर ये भी ना भूलें कि अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज़ न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट से या फिर और भी कुछ न्यूज़ आती है तो उससे तेज़ी भी की संभावना भी जो है जल्दी भी आ सकती है इसके अंदर। अदरवाइज़ थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये और भी तेज़ी की संभावना तब इसके अंदर हो सकती है। लेकिन सपोर्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो सपोर्ट अभी भी करीब दिख रहा है, जैसे कि हमने चर्चा की। अब यहाँ पर देखते हैं एक इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो भी तारीख आप ना भूलें, वो है एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीमेशन ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वेस्टर। और ये जो मीटिंग का टाइप है ये भी आप देख सकते हैं फिजिकल मीटिंग। और यहाँ पर जो है इसकी तारीख जो है 13 मई और 14 मई है, तो ये डेट भी ना भूले, यानी कि आने वाले सप्ताह है। तो इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है किए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस तारीख को। तो ये तारीख ना भूले तब कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, और शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो टेक्निकल चार्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। भले ही कितनी अच्छी न्यूज़ हो, शेयर कहाँ तक जा सकता है उसका आइडिया मिल सकता है, बुरी खबर में शेयर कितना, शेयर के अंदर कितनी गिरावट आ सकती है, कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है उसका आइडिया मिल सकता है। और ये जो मतलब कि शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स भी है उनके लिए भी अच्छा मतलब कि रह सकता है, कई बार ये यूज़फुल भी हो सकता है। आज ही अगर देखें तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, 970 के आसपास 1000 रुपये तक का इसने लो जो हाई टच कर लिया। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर नज़दीकी सपोर्ट जो है आज का जो लो है उसी लेवल के आसपास, यानी कि 975 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 950, उसके बाद जो है 920 रुपये से लेकर 910 का लेवल, ये अभी नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। और अगर रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर इसका जैसे कि आज का जो हाई बनाया नज़दीकी रजिस्टर ये, उसके बाद जो है तो 1020 का लेवल, और उसके बाद 1035 से लेकर 1050 का लेवल, ये लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है तब 1150-1150 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। साथ साथ कल हम इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल भी हम देखेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद, क्योंकि वो अभी बाकी है, काफ़ी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था, अभी ये दो दिन वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन यहाँ पर और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया था, ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास किसी ने अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो तब तक तो मतलब कि ये चीज़ ये अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है कहीं ना कहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।